पार्टिकल यहां से दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करो देखो खुद जो है। ये कहता है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर इनिशियल वेलोसिटी इतना है और जो एक्सलेशन है, इनिशियल एक्सलेशन 4.5 i cap है और 4.3 j cap है, ठीक है, क्लियर है। चलो ग्रीन से लिखते हैं यार, बहुत मन कर रहा था। इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी, 10 सेकेंड बाद हम लोगों को स्पीड निकालना यार, ठीक है। आपको पता है कि 10 सेकेंड बाद अगर देखो स्पीड कैसे निकाला जाए, एक तो तरीका है इनको अलग अलग निकाल के रिजल्टेंट ले लें, 10 सेकेंड बाद एक्स एक्सिस में निकाल लो, वाई एक्सिस में निकाल लो, फिर रिजल्टेंट ले लो वेलोसिटी का, वही स्पीड होगा, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, ये कलर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लगा दूं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डायरेक्ट लगा दूं, तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, वी इनिशियल वेलोसिटी देखो वेक्टर में कितना है, वेक्टर में ऐसे लगाते ना इसको, इनिशियल वेलोसिटी 3i cap + 4j cap लिख सकता हूँ, और प्लस एक्सलेशन लिख सकता हूँ, एक्सलेशन इधर है 0.4i cap + 0.3j cap, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कितना यार टाइम, भाई टाइम किधर गए हो, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है ये। अब ये हमें वेलोसिटी एज ए वेक्टर मिल जाएगा, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी यही होगी। चलो देख लेते हैं कितना होता है, तो ये 3i cap + 4j cap, ठीक है, और प्लस ये 4i cap + 3j cap, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेलोसिटी है वो 7i cap + 7j cap, दैट इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, मतलब एक्स एक्सिस में 7 होगा और वाई एक्सिस में भी 7 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने सबको आता होगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, और अगर 7 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7√2 होता है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है, B1 इज द करेक्ट, ठीक है, बी इसका सही है, क्लियर है, फटाफट करो क्वेश्चन।